say no to tobacco and yes to life. तंबाकू को ना और जीवन को हाँ. अगर करते हो ज़िंदगी से प्यार तो करो सिगरेट से इनकार. ठीक है. नो सिगरेट, नो टबैको, नो तंबाकू. पक्का हो गया. क्यों? एक सिगरेट पीने से एक सांस कम होती है और एक बीड़ी पीने से दो सांस कम हुई और एक गुटके का पाउच खाने से कितनी सांस कम होती हैं? चार. सोचो आप एक गुटके का पाउच पूरा ले लें अगर हम तो चार सांस कम हो गई. और ज़िंदगी सांसों का खजाना है. उसमें लिमिटेड सांस हैं. जितनी जिसकी सांस उतना उसका जीवन. तो सोचिए आप कितना अपने जीवन आप कम कर रहे हैं. पहली बात. दूसरी बात, पैसिव स्मोकिंग. इट्स नॉट द वी स्मोक द व्हेन वी स्मोक वी आर इन्फेक्टिंग एंड इम्पैक्टिंग अदर्स आल्सो. बिकॉज आई स्मोक माई फैमिली डजंट स्मोक. पर पक्का मानिए कि मैं नहीं पीता हूँ लेकिन मेरा जो धुआं मैं निकालता हूँ वो जो लोग हैं मेरे आसपास उसको भी प्रभावित करता है. उनको भी मरना पड़ता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं नहीं पीता इतना काफ़ी नहीं है. मैं अब प्लान करूँगा मैं नहीं पीऊँगा मैं दूसरों को नहीं पीने दूँगा. जैसे मोदी जी कहते हैं कि नहीं, ना खुद खाऊंगा ना खाने दूंगा. मैं खुद काम करूंगा और दूसरों से कराऊंगा. है कि नहीं? तो ठीक इसी तरह से ना तो हम पिएंगे और ना हम पिलाएंगे दूसरों को भी. हम लोग को, अरे यार चलो मैं तो नहीं पीता हूँ, चलो तुम सूटा मार लो, ले सूटे मार लो. कहे कि सूटे मारने नहीं टुडे. तो सूटा मारना इज ट्रेंडी. सूट पहनो ट्रेंडी बट सूटे मारने ट्रेंडी नहीं है. तीसरी बात ये कि 10 लाख लोग, कैन यू बिलीव इट, इमेजिन 1 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर इन इंडिया बिकॉज ऑफ टबैको. 1 मिलियन, 10 लाख ये चर्चा का विषय है जहाँ 1 मिलियन पीपल आर डाइंग एवरी डे. कैन यू बिलीव इट? 1 मिलियन, 10 लाख लोग मर जाते हैं और अब तो ये आंकड़ा 13 लाख हो गया है. और 80 लाख से 90 लाख लोग मरते हैं पूरे विश्व में. जस्ट इमेजिन 133 करोड़ लोग भारत में हैं और 1 करोड़ पूरे विश्व में लोग मर जाते हैं केवल तंबाकू पीने से. सोचिए आप 5 से 6 गुटके के पाउच अगर आपने रोज खा लिए इसका मतलब है आपने 40 सिगरेट रोज पी. 40 सिगरेट के बराबर है 5 से 6 गुटके के पाउच. और लोग एक थोड़ा फेंका. मैं जाता हूँ चार धाम की यात्रा हो या माउंट कैलाश हो, हिमालय नीलकंठ में जाइए, सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे सवेरे सैर करते हैं और सफाई करते हैं. सैर और सफाई दोनों साथ साथ सैर करते जाते हैं. रास्ते में जो मिलता है उसको उठाते जाते हैं. तो सबसे ज़्यादा अगर कुछ चीज़ मिलती है वहाँ पर गुटके के पाउचेस. एक पतली सी टुकड़ा फाड़ा फेंका, फिर खाया फेंका उसका पाउच. सबसे ज़्यादा आप सोचिए. इसलिए आप जवान हैं. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. वंडरफुल. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल कि आप लोगों ने ट्राई नहीं किया अभी तक. बहुत बढ़िया. ये बहुत बड़ी बात है. हिम्मत का काम है. कॉलेज में रहो और फिर ट्राई ना करो. बड़ी हिम्मत का काम है. इतना आसान नहीं है ये. आजकल तो सब कुछ ट्राई करो और फिर क्राई करो. पहले ट्राई करो फिर क्राई करो. यही तो है. इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ ज़ोरदार तालियां बजाइए एक दूसरे के लिए कि आप लोग हिम्मत वाले हैं कि ऐसी चीज़ों को नहीं करते हैं. और अब हाथ खड़ा करेंगे. अभी तो ट्राई नहीं किया अब करेंगे भी नहीं. हाथ खड़ा करो जिस जिसको करना. नहीं करना हो तो नहीं करना भैया. ट्राई करना है क्या सिगरेट? नहीं करना तो खड़े करें हम लोग. बिल्कुल. हम तो दोनों हाथ खड़े कर देते. नहीं एक मिनट खड़ा रखो खड़ा रखो. पता लगे इनकी फ़ोटो ले लो कम से कम. पता लगे जब अगली बार होगा तो याद दिलाएंगे. अगली वाली बार आएंगे भाई हाँ बताओ कितनों ने ट्राई किया. ठीक है. बहुत बढ़िया शाबाश. तो इसका मतलब है कि कुछ भी हम चाहें हम अपने जीवन में कर सकते हैं. यू आर वेरी स्पेशल. नॉट ईजी. आई कैन टेल यू इन टूडेज डेज बींग ट्रेंडी फॉर स्वच्छ भारत, बींग ट्रेंडीज फॉर हेल्दी भारत, हेल्दी इंडिया, इट मेक्स यू वेरी स्पेशल. एंड आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ यू एंड लव यू.